तैयार रहना बेटा उन लोगों को जवाब देने के लिए, कुछ ही दिनों के अंदर हम जवाब देंगे उन लोगों को। और अगर याद हो मेरे बिहार के बच्चों को तो याद होगा 2006 आईएएस बैच का आईएएस, पता है आईएएस टॉपर नाम याद होगा, गोविंद जायसवाल। वो एक कमरे के अंदर रहते थे, उसी के अंदर 4-5 मेंबर उसके रहते थे और घर उसके पापा साइकिल वाला जो ऑटो रिक्शा है वो चलाते थे। तो बेटा सिलेक्शन पैसों से नहीं होता है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, सिलेक्शन डिटर्मिनेशन डेडिकेशन से होता है, आपका डेडिकेशन कैसा है। साइकिल वाला ऑटो चलाने वाले का बेटा, रिक्शा चालक का बेटा अगर आईएएस बन सकता है तो बेटा आपके अंदर फिर क्या कमी है मुझे ये बताओ। उस टाइम पर कोई ऑनलाइन कोर्स चलते थे नहीं, उसके बापू ने पूरी जमीन बेच दी थी उसको पढ़ाने के लिए। तो बेटे का केवल एक ही सपना था कि पापा ने आज मेरे एजुकेशन के लिए जितना पैसा बर्बाद किया है तो मैं इसका कमिटमेंट जरूर करके दिखाऊंगा। और जिस दिन, मतलब उसके पास जूतों के पैसे नहीं थे, ड्रेस के पैसे नहीं थे, तो उसके ससुराल के अंदर उसकी जो सिस्टर है उसकी शादी हो गई थी, उसकी सिस्टर को कुछ पैसा मिला हुआ था क्योंकि उसको लेबर पेन से मतलब पीड़ित थी वो। उस टाइम पर उसकी बहन ने भी शानदार जवाब दिया कि मेरा रिजल्ट बाद में और ये जो पैसा है वो मेरा भाई को जाना चाहिए, मेरे को कोई जांच वांच नहीं करवानी है, मैं मेरे भाई का रिजल्ट देखना चाहती हूँ। देखो कैसी कंडीशन के अंदर उसने पैसे भेज दिए भाई के ड्रेसअप के लिए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए जूते ड्रेसिंग सेंस बढ़िया चाहिए होता है ना। और उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो भाई साहब अच्छे लेवल पर गर्दा उठाया। ठीक है तो बेटा देख लो सिलेक्शन पैसे।